सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई लगातार इस केस से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। पिछले 9 दिनों में सीबीआई ने सुशांत के स्टाफ, फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती से लंबी पूछताछ की है। रिया चक्रवर्ती से पिछले 3 दिनों में सीबीआई की टीम ने 26 घंटे पूछताछ की है। रविवार को सीबीआई ने रिया से ड्रग चैट, सुशांत के इलाज और उनके पैसों को लेकर सवाल किए थे। खबर है कि लगातार 4th दिन की पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती करीब 10:40 पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुकी हैं। रिया सोमवार को फिर से सीबीआई के एसपी नूपुर प्रसाद के सवालों का जवाब दे रही है। रिया के साथ ही उनके भाई शोविक से भी लगातार पूछताछ हो रही है। अब तक दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाकर सवाल जवाब हो रहे थे। खबर है कि आज सीबीआई दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। सुशांत केस में जब ड्रग चैट का मामला सामने आया तो इसमें गोवा के एक होटल व्यवसायी गौरव आर्य का भी नाम सामने आया है। गौरव आर्य का कहना है कि उनका सुशांत केस से कुछ भी लेना देना नहीं और वही सुशांत से कभी मिले भी नहीं थे। हालांकि रिया से मुलाकात की गौरव ने स्वीकार की है। आपको बता दें कि केस की सभी एंगल से जांच हो रही है। आत्महत्या के लिए उकसाने के पहलू से सीबीआई मामले की जांच कर रही है। तीसरे दिन की पूछताछ में भी रिया से ड्रग चैट्स और पैसों को लेकर सवाल किया गया था। रिया से पूछा गया था कि क्या सुशांत मानसिक रूप से बीमार थे, यदि वो बीमार थे तो आपने उन्हें ड्रग्स लेने से क्यों नहीं रोका, क्या सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत को ड्रग्स दिए, सुशांत यदि बहुत खर्चीले थे तो क्या आपने उनको रोकने की कभी कोशिश नहीं की। रिया के अलावा उनके भाई शोविक चक्रवर्ती से भी सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ की। रविवार को शोविक से पूछताछ मूल रूप से यूरोप ट्रिप पर आधारित थी। शोविक और रिया दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाकर भी पूछताछ की गई और शोविक से पूछा गया कि यूरोप ट्रिप का सारा खर्चा सुशांत ने क्यों उठाया, क्या उनकी तरफ से पैसे शेयर करने की पेशकश की गई थी। इन बयानों से तो लग रहा है कि हत्यारे सीबीआई को कंफ्यूज कर रहे हैं और हत्या वाली तो कोई पूछताछ हो ही नहीं रही है। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।